दोस्तों, आज जमशेदपुर में आम बगान से होते हुए ये जन आक्रोश रैली 1932 के विरोधियों का, जो लगातार खतियानियों का विरोध करते हैं, इनको अपमानित करते हैं और इनके साथ एक तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, उन माटी के सपूतों का अपमान करते हैं, इसके विरोध में आज ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और के तहत जन आक्रोश रैली निकाली गई है। आज बिरसा मुंडा चौक साक्षी में इन लोगों ने एक तरह का एक धरना दिया है। तो मैडम, आपका शुभ नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम काकोली महतो। काकोली महतो जी, आप जो यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, यहाँ किनको जवाब देने के लिए दे यहाँ किए, किनको जवाब देना चाहते हैं? हम ये मैसेज हमारा सीएम को देना चाह रहे हैं कि नियोजन नीति 32 नियोजन नीति हमारा 1932 का गाइडलाइन को एक लाइए और हमारा उस बेसिस पे नियोजन नीति चालू करें, नहीं तो एक थर्ड बोर्ड फोर्थ ग्रेड का नौकरी करने के लिए भी बाहर से आ रहे हैं। एक 90% आपका सिलेक्शन झारखंड गवर्नमेंट का कोई भी सिलेक्शन में हम बाहर से, ये दिन देखने के लिए तो हम सेपरेट नहीं किए थे। बाबूलाल मरांडी जी जब शुरू में आया था पावर में, आने का साथ ही वो डोमिसाइल का बात रखा था, डोमिसाइल का बात रखने के लिए उसको तुरंत हटाया गया था। डोमिसाइल का बात तो शुरू में ही रखा गया था, डोमिसाइल का बात जो भी लाता है उसको हटाया दिया जाता है या उस मुद्दा को किसी तरह कनिंगनेस करके उसको दबाए दिया जाता है। हमारा यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट के द्वारा प्रभावित है, उनका ऊपर हावी है ब्यूरोक्रेट, वो अपना बात जब भी रखने जाते हैं मुद्दा को कोई दूसरा तीसरा तरफ घुमा देता है। हाँ, इसीलिए अभी तक हमारा 32 का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ और हमारा सीएम या हमारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है इसको अनदेखा करके बाकी सब चीज़ को आगे ले जाता है। हम लोग बहुत डिप्राइव है झारखंड में, हमारा हर ब्लॉक में एक रफ सर्वे करके देखिए कि कितना अनएम्प्लॉयड है, कितना चल जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जीरो है, जीरो। तो ये आज 23 वर्ष हो गए झारखंड को अलग हुए, लेकिन 1932 का आप लोग लगातार समर्थन करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है आज इतने आदिवासी सरकार बने, इसके बावजूद भी है झारखंड में 1932 नहीं लागू हुआ, आने वाले दिनों में आप लोग कैसा क्या करेंगे? यहाँ ओपोजिशन कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, हमारा पक्ष विपक्ष मिला हुआ है, तो मुद्दा को कौन लाएगा, हमारा बिहाफ में कौन बोलेगा, सदन में कौन बोलेगा, पक्ष बोलेगा या विपक्ष बोलेगा, कोई बोलता ही नहीं है, मिल जाता है, इसीलिए मुद्दा बंद हो जाता है। तो आखिर ऐसे आप लोग कब तक ऐसा आंदोलन करते रहेंगे? जब तक हमारा स्टैंड क्लियर नहीं होगा, 32 जब तक लागू नहीं होगा, सिर्फ 32 लागू नहीं है, 32 आधारित नियोजन नीति लागू, हमारा मेन मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, हमारा मेन प्रॉब्लम है बेरोजगारी। झारखंड में आप लोगों का, खास करके जो खतियानियों का बाहरियों के द्वारा अपमानित किया जा रहा है, तो उसके उस पर आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ अपमान नहीं है, ये शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये शोषण है। उसका हिम्मत कैसे हो गया कि शांति बाजार में आके जयराम का ऊपर ऐसा बोल के चले जा रहा है, 32 का फेवर में करके वो जा रहा है, 32 के अगेंस्ट में करके जा रहे हैं, इतना हिम्मत कैसे हो गया जिसके लिए आज ये रैली निकालना जरूरी हो गया। तो झारखंड में आप जो है ये रैली लगातार जो आप लोग निकाल रहे हैं और झारखंडियों के साथ में बाहरियों के द्वारा अपमान किया जा रहा है, और आप लोग इस तरह से झारखंड में जो आप लोगों का अपमान किया जा रहा है, सरकार कुछ नहीं कह रही है, आप लोग सरकार तक आवाज़ कैसे पहुंचाएं? सरकार तो पूरा आंख बंद करके बैठी हुई है, कान बंद करके बैठी हुई है, आप लोग कैसे आवाज़ बढ़ाएं? जब तक आप लोग विधानसभा में नहीं रहेंगे, आप लोग संसद में नहीं रहेंगे, कैसे आप लोग जवाब, तो बाहरी जो आम पब्लिक तो आप लोग को चींटी की तरह सरकार समझती है, आप लोग की बातों को नहीं समझती। हम लोग अपना प्रोटेस्ट के द्वारा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट थ्रू रैली है, थ्रू वर्ल्ड राइटिंग, इसी तरह हम लोग कर रहे हैं विरोध अपना। तो आप देख रहे हैं कि ये काकुली महतो जी आज जमशेदपुर में अपने जो जल आक्रोश रैली के तहत लगातार आंदोलन कर रही है या धरना प्रदर्शन में बैठी है, ये बिरसा चौक साक्षी में। मैं अब तक न्यूज सच आपके सामने।